गुड इवनिंग ट्रेडर्स, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। आज हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं वो टाटा कॉफी लिमिटेड का शेयर है। देखिए अभी 102.55 रुपए पे चल रहा है। सर्दियों के लिए क्यों है सबसे अच्छा, हम लोग इस पर पूरा विस्तार से बात करेंगे। जो पहले से बाय करके रखे हैं उनको क्या करना चाहिए, न्यू बायर्स किस वैल्यू पे बाय करें और कब तक उनको होल्ड करके चलना है, हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे कि इसका चार्ट कैसा है, प्रोफाइल कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो देखिए दोस्तों, जो टाटा कॉफी का अभी करंट प्राइस चल रहा है 102.50 रुपए पे चल रहा है। ईपीएस जो है इसका 5.05 है, मार्केट कैपिटल जो है 19 बिलियन के करीब है, डिविडेंड यील्ड जो है 1.46% है, पीई मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो है 20.25 है। तो अच्छी बात निकल के आ जाती है कंपनी के लिए। आइए इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छे से और जान लेते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन बताया ही 19.163 बिलियन रुपीज है, अच्छी बात है। इम्प्लॉयज देखिए इनके जो है वो 5600 के करीब है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी काफी ज्यादा लोग हैं, 1,02,000 के करीब। देखिए इसका जो एवरेज वैल्यू में है 10 डेज का वो 4 लाख है, अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। छोटा है, जल्दी निकला है तो इसकी वजह से, जबकि था बहुत टाइम से, बट तो इसकी ये प्लस पॉइंट निकल गया जाती है। 52 वीक हाई जो है 119.90 रुपए है, 52 वीक लो जो है 48 रुपीज है। देखिए शेयर को स्प्लिट भी किया गया था, ये कभी एक टाइम पे 1000 से भी ऊपर था, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अच्छी बात है कि कम से कम ज्यादा बायर्स इस पे जुड़ पाएंगे, ज्यादा प्राइस होने की वजह से लोग बाई नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत स्ट्रांग कंपनी है। टोटल एसेट MRQ जो है वो 34 बिलियन के करीब है। आइए इसकी जो प्रोफाइल है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं कि टाटा कॉफी क्या क्या करता है। तो देखिए जो सेक्टर है वो प्रोसेस इंडस्ट्री से आता है, इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी मिल्स की है। टाटा कॉफी लिमिटेड जो है एंगेज करता है, मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करता है कॉफी और अदर प्लांटेशन क्रॉप्स की, जो जिसमें कॉफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल किया जाता है, जैसे ये रोस्ट ग्राउंडेड इंटेंट कॉफीज ये सब प्रोवाइड करता है, फिल्टर कॉफीज हो गई, उस तरीके से काफी सारी कॉफियां ये कंपनी बनाती है। तो ये एक चीज से देखिए बेवरेज में आ गई कि कंज्यूमर जो कंज्यूम करने वाली चीज हो गई, तो सर्दियां चल रही हैं तो उसकी वजह से इस कंपनी में बहुत ग्रोथ रहेगी, क्योंकि सर्दियों में ज्यादा लोग डिमांड रहती है टी और कॉफी की, तो जिसमें से ये कॉफी है तो इसमें स्ट्रांग वैल्यू भी दिखता है आपको बाय करने पे। देखिए जो कंपनी फाउंड की गई थी वो 1922 में फाउंड की गई थी, हेडक्वार्टर बेंगलोर इंडिया में है, मतलब लगभग 100 साल हो जाएंगे 2 साल बाद ही, तो अच्छी बात है कंपनी के लिए, काफी पुरानी है। देखिए इसको क्वार्टर 2 का अर्निंग रिजल्ट जो आया था, टाटा कॉफी नेट प्रॉफिट स्लिप हुआ है, थोड़ा घटा है क्योंकि लॉकडाउन था तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी। देखिए कंजप्शन की चीज चिंता नहीं होती इतनी ज्यादा जितनी ज्यादा प्रोडक्शन की होती है, क्योंकि देखिए एक टाइम पे आएगा कि सप्लाई नहीं दे पाएंगे डिमांड के अनुसार, तो वो चीज घट जाती है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। फिर भी देखिए जो नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होने के बाद बना है, इस बार 232 मिलियन रुपीज बना है, जबकि लास्ट 3 मंथ में सितंबर का जो था वो 255 मिलियन था, तो इसकी वजह से घटा है पिछले ईयर के मुकाबले। पिछले में 255 था, इस बार 232 मिलियन है, तो उसकी वजह से गिरा है। देखिए शेयर जो कंपनी फेल की है, 6% गिरा था ट्यूसडे को भी, तो इसके रिजल्ट आने के बाद भी, तो बट अब ऐसी कोई बात नहीं रहेगी कि ग्रोथ नहीं करे। देखिए पर शेयर पे जो प्राइस मिल रहा है 1.24 रुपए मिल रहा है, जबकि पहले 1.37 रुपए मिल रहा था, तो उसकी वजह से इतनी दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए एंड क्वार्टर 30 में जो इंक्रीज हुआ है वो 5.43 बिलियन रुपीज हुआ है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है, जबकि लास्ट ईयर 4.8 बिलियन था, तो ये प्लस पॉइंट निकल के आ गया कंपनी के लिए, अच्छी बात है। देखिए हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जिसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि बाई या सेल क्या करना चाहिए, उसके ऊपर देखिए कैसे रिजल्ट डिसाइड होता है, जो मूविंग एवरेज होता है उसके लिटर पोविटॉल, उससे हम लोग क्विक रिजल्ट जो होता है निकल के वो आपको मैं बताता हूँ। आइए उससे पहले चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो बाइंग की वैल्यू बन रही है चार्ट के अनुसार
वो 100 से लेके 103 रुपये का बन रहा है, स्टॉप लॉस 95 पे, और टारगेट 110 और दूसरा टारगेट 120 तक का रख सकते हैं आप। तो जो इसका क्यों ऐसा बन रहा है, क्योंकि देखिए इसमें जो मैंने आपको चैनल बता रखा है, सबसे ज्यादा जिसमें शेयर मूव किया है वो मैंने 99 जो दिख रहा है वो मिड लोअर वैल्यू आ जाती है शेयर की, तो इसीलिए मैंने आपको 95 पे लॉस स्टॉप लॉस बताया है। और करंट वैल्यू पे आप बाई करेंगे तो आपको मुनाफा जरूर होगा। देखिए ओवरऑल कॉल जो निकल के आ रही है शेयर में वो भी बाई के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा।